अरबी को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, इसको पहले धो लिया, फिर इसको डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बॉईल कर रही, तो इसको मैंने बॉईल कर लिया। अभी 20 मिनट लगे इसको बॉईल होने में, तो अभी इसको मैंने छील लेना है। तो ये देखें, अरबी को छील लिया। अभी कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, तो सरसों का तेल ही ले रही हूँ इसमें। अभी इसको फ्राई कर लेना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है, क्योंकि इसको पलट के फिर अच्छे से मैंने फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया, तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला मैंने, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो इसको अभी धीरे धीरे करके मैंने पलट लेना है, और गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दी है कि अच्छे से सिक जाए जे। तो इस तरह से सारी अरबी को मैंने पलटी लगा दिया, और कम गैस पे इसको सेक लेना अच्छे से। तो ये देखिए, अभी दोनों साइड से अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी इसे निकाल लेते हैं। तो अरबी को मैंने निकाल लिया, साथ ही साथ जो ये तेल था तो इसको छान लिया। तो अभी दूसरी कढ़ाई ले ली है, तो जितना सब्जी के लिए चाहिए उतना तेल मैंने ले लिया। एक चम्मच डाल दिया राई का। राई चटकने के बाद मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों को कूट लिया था, वो डाल दिया। अभी ऊपर से डाल देना प्याज, तो छोटा छोटा करके एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के वो डाल दिया। तो जो अदरक और लहसुन है बहुत ही जल्दी से चिपक जाता कढ़ाई के साथ, ये देखिए लगने लग पड़ा नीचे। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ टमाटर, तो इससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। और फिर हल्दी बाद में डालती हूँ। ये देखिए कढ़ाई से जो भी लगा था लहसुन सारा अभी निकल गया। तो अभी इसके अंदर डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर, और आधा चम्मच डाल दिया देगी मिर्च। तो लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही क्योंकि हरी मिर्चें बहुत तेज है, तो वो मैंने कूट के डाल दी है। तो अभी मसाला हमारा बन रहा है, गैस कम कर दिया, तो अरबी को इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि इसके अंदर सारा जो मसाला वो चला जाए। इस तरह से दबाते हुए सारी अरबी को मैंने प्रेस कर लिया। तो अभी मैंने ये छोटी कटोरी आधी ली थी दही की, उसे अच्छे से मैंने फेंट लिया, और जो हमारा मसाला बन रहा था उसके अंदर डाल दिया। इसको धीरे धीरे करके अच्छे से पका लेना है, कम ही फ्लेम रखनी है। तो दही अब अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हमने डाल देना नमक, तो नमक मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, तो आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अभी इसे पका लेना अच्छे से। तो ये देखिए मसाला मैंने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला भी बन गया। अभी हमने जो अरबी को हमने रखा फ्राई करके, उसको भी डाल देना अभी बीच में। तो बहुत ही टेस्ट लगता है इस तरह से अरबी बनाओगे तो सब्जी का। तो सारी अरबी हमने डाल दी है, अभी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। तो पहले आधी कटोरी पानी की डाली मैंने, इसे मिला लिया, और ऊपर से मैंने फिर से आधी कटोरी और डाल दी, और एक कटोरी इसमें पूरा पानी मिला दिया। अभी हमने इसको रख देना एक बॉईल आने के लिए। तो ये देखिए सब्जी को बॉईल आ गया। अभी हमने इसके अंदर डालना है कसूरी मेथी को, और अभी फ्लेम कम करके इसको ऊपर से ढक देना है, इसको दम लगाना है। ढकने को दम कहते हैं कि ढक के गैस ऑन करके। तो ये देखिए ढक दिया अभी 5 से 6 मिनट तक। तो अभी ये देखिए मैंने 5 मिनट हो गए अभी, और ये देखिए अभी सब्जी हमारी। तो 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको ढकना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बन गई है, अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं।
तो आप भी इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज घर में धनिया नहीं है तो धनिया के बिना सब्जी अधूरी सी लग रही है, तो उसके लिए सॉरी। ये थी हमारी आज की रेसिपी, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।